सोमवार को प्रतापनगर पुलिस थाने में निजी अस्पताल के वार्ड बॉय और उसके एक साथी के खिलाफ रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। कोरोना से मरीज की जान बचाने के लिए लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन उसकी चोरी कर कालाबाजारी करने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी निखिल डहा के निजी अस्पताल में वार्ड बॉय है। उसने अस्पताल से कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शन चुरा लिए और अपने साथी दीपक मोहबिया के साथ मिलकर फिरियादी अनिल ब्राह्मणकर को एक इंजेक्शन 30,000 रुपये में बेच दिया। फिरियादी ने प्रतापनगर पुलिस थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।